आज हम बात कर रहे हैं मारूर से कुछ दूरी पर शानुरशाह बाबा का उर्स आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर बैलगाड़ी की भी दौड़ हुई। इसका उद्घाटन युवा नेते धनंजय चौधरी के हाथों हुआ। इस समय मारूर के सरपंच असद सैयद जावेद जनाब, मारूर ग्राम पंचायत के सभी मेंबरों, गांव के समाज सेवक, लोक सेवक बड़ी तादाद में इस बैलगाड़ी उद्घाटन में मौजूद थे। शानुरशाह बाबा का मजार बहुत ऊंचाई पर है, आप वीडियो में देख सकते हैं लोग किस तरह पैदल चलकर इस दरगाह पर जा रहे हैं। कितनी कठिनाई से यहाँ पर ना ही रिक्शा जा सकती है ना ही वाहन चल सकता है, लेकिन लोग इस पहाड़ियों की ऊंचाई पर पैदल चलकर जा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर एक मेला भी लगा हुआ है और मेले में अलग अलग किस्म की दुकानें लगी हुई है। खाने पीने की दुकानें हैं, सामान की दुकानें हैं, चश्मे की दुकानें हैं, खिलौने वगैरह आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानदार बड़ी दूर दूर से अपनी दुकानें लेकर आते हैं, इनका भी अच्छा धंधा व्यापार हो जाता है। कई लोग शानुरशाह बाबा की दरगाह पर अपनी मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर खाने का प्रोग्राम भी रखते हैं, खाने का प्रोग्राम भी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को खाना भी खिलाते हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात है ये कि मारूड और परिसर के जितनी भी गांव है, यहाँ के लोग जो अपने काम धंधे नौकरी के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले और गुजरात के अलग अलग शहरों में गए हुए है, ये लोग भी उर्स के मौके पर अपने गांव आते हैं और यहां पर उर्स मेले में शरीक होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में मारूड़ गांव से लेकर शानुरशाह बाबा की दरगाह पर लोग आ रहे हैं और उर्स में शामिल हो रहे हैं। आज यहां पर एक कव्वाली का भी मुकाबला होने जा रहा है, आप रात में देख सकते हैं कव्वाली का मुकाबला। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात। अब तक
दादाजी।